हे डबल इंजन वालों, हे दिल्ली में सरकार चलाने वालों, क्या देख रहे हो? अच्छे दिन तो आए नहीं, रोजगार मिला नहीं। आप 15 में आए, बिहार की जनता से आपने अच्छे दिन आने का सपना दिखाया। यहाँ पर एक इंजन से डबल इंजन हुआ, वो डबल इंजन भी फेल हो। पूछना चाहता हूँ डबल इंजन की सरकार से, क्या आपने एक भी सुई बनाने का कारखाना लगाया? मोदी जी अवतार पुरुष हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, वीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ गुलशन कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और इस चुनाव में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ जो अभी हैं उनको आप देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कहेंगे, क्योंकि उनके ही हूबहू हैं। क्या नाम है आपका? अभिनंदन पाठक नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ घर है आपका? भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल एक राजनीतिक नई पार्टी बनी है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हम हैं। अच्छा। और बिहार में हम 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। 3 दिन के लिए पटना में हम अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में आए। घर कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में हम पैदा हुए हैं और इस समय बिहार में जो परिवर्तन की एक लहर चल रही है, यहाँ पर डबल इंजन फेल हो चुका है। यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर, भय को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, अपराध को लेकर जनता त्रस्त है और परिवर्तन होने जा रहा है। आपकी शक्ल तो नरेंद्र मोदी से मिल रहा है, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी जी अवतार पुरुष हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा विश्व उनको सम्मान करता है और उन्हें भी प्रभु ने बनाया है, हमने भी बनाया है। ये बात सत्य है कि बनारस में हमने उनकी सेवा की है 2014 में और 19 में। अब हम अपने राजनीतिक पार्टी की बात करेंगे, व्यक्तिगत हम मोदी जी की बात नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे, कल मोदी जी ने जो आकर के यहाँ विकास की बात की है, जो एक अपना प्रोजेक्ट दिया है या जो, उसको अगर आप 5 साल पहले दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप 15 में आए, बिहार की जनता से आपने अच्छे दिन आने का सपना दिखाया। यहाँ पर एक इंजन से डबल इंजन हुआ, वो डबल इंजन भी फेल हो गया। अब तो महागठबंधन में हमारे समर्थन से सरकार, डबल इंजन हटेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपने अपने पार्टी का नाम नहीं बताया। मेरी पार्टी का नाम है भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय टीआर सिंह जी हैं। उनका सपना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करना, कबीरदास रविदास जी के सपनों को साकार करना। यहाँ पर देश में और प्रदेश में जेपी नड्डा नहीं, जेपी अब्दुल कलाम जी के आदर्श पर चलने की आवश्यकता इस समय है प्रदेश को। अरे देखिए जाकर के बिहार की जनता किस प्रकार से त्राही त्राही कर रही है, युवा बेरोजगार होकर के घूम रहा है। हे डबल इंजन वालों, हे दिल्ली में सरकार चलाने वालों, क्या देख रहे हो? अच्छे दिन तो आए नहीं, रोजगार मिला नहीं, काला धन आया नहीं। त्राही त्राही, अपने धर्म को समझिए। आपने जो जनता से वादे किए, वो जनता के वादों को आप पूरा नहीं कर पाए, इसलिए जनता ही जनार्दन है। बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ के बाद बारी है बंगाल की, बंगाल के बाद बारी है यूपी की, और यूपी के बाद बारी है दिल्ली की। 2024 में भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल की सरकार दिल्ली में बैठेगी, इतना हम जानते हैं। नरेंद्र मोदी के हमशक्ल हैं आप, आपको लोग ऐसा तो नहीं कहते कि आप नरेंद्र मोदी हैं, कहीं रास्ते में रोक दिया? देखिए, मोदी जी के प्रति लोगों में आस्था है, सम्मान है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की गद्दी पर जब से मोदी जी बैठे हैं, देश ने विकास किया है, देश ने विकास किया है। मोदी है तो मुमकिन है, ये हम भी कहते हैं। लेकिन मैं मोदी जी को ये भी पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर डबल इंजन आप लगा के गए, वो तो डबल इंजन फेल हो गया। उन युवाओं से पूछिए जो अपना घर छोड़ करके अन्य प्रदेशों में रोजगार करने के लिए गए हैं, वो लौट के आए लॉकडाउन में, आपने कहा जो जहाँ है वहाँ रहिए, कोई नीति निर्धारण आपके पास नहीं है। आधी जनता
रास्ते में 1200-1200 किलोमीटर पैर में छाले पड़ गए गरीब आदमी के, कुछ रास्ते में कट के मर गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ तड़प के मर गए, और जब यहाँ आए सुकून पाने के लिए तो चूंकि आपने यहाँ रोज़गार तो दिया नहीं। 5 वर्षों में मैं पूछना चाहता हूँ डबल इंजन की सरकार से, क्या आपने एक भी सुई बनाने का कारखाना लगाया? अगर लगाया होता तो बिहार के युवा यहीं पर पलायन न करते, रोज़गार पाते। क्या आपको जनता का दर्द मालूम नहीं है डबल इंजन वालों? हे चौकीदार जी, हे देश चलाने वाले, चुनाव से पहले आप कहाँ थे? अभी बिहार में चुनाव है तो आप बिहार आए हैं, उत्तर प्रदेश से आप हैं, चुनाव से पहले कहाँ थे? चुनाव से पहले आप बिहार क्यों नहीं आए? बिहार के विकास की बात क्यों नहीं? मैं 3 महीने से बिहार में भ्रमण कर रहा हूँ, बिहार की पावन धरती पर मैं बिहार में भ्रमण कर रहा हूँ, जिसका प्रमाण 9 जून को मेरा स्टेटमेंट आप ही ने छापा है कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। ये देखिए, ये 9 जून का अखबार है। क्या अपना नाम नहीं बताया आपने? अभिनंदन पाठक मेरा नाम है, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में। युवाओं को, सच्चे को, अच्छे को, समाज सेवियों को हमने खुला आमंत्रण दिया है कि आइए हमारी पार्टी से टिकट लीजिए और चुनाव जीत करके जो आने वाले समय में युवा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है वो हमारे समर्थन से बनेगा और हम उसको बिठा कर जाएंगे। प्रधानमंत्री का आवाज़ भी निकाल लेते क्या? देखिए, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, वो अवतार पुरुष हैं और मुझे आवाज़ निकालने की क्या आवश्यकता है? मोदी जी के बारे में मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बार बार यही कहूँगा कि मोदी जी अवतार पुरुष हैं और बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है, बिहार में डबल इंजन फेल हो गया। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार के? बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और 4 दिन में स्थिति स्पष्ट होगी। और स्वयं भी मैं आपके चैनल पर बता देना चाहूँगा, मैं यहाँ के समाज कल्याण मंत्री, जहाँ के विधायक होकर मंत्री हैं, मैं उसी सीट से चुनाव भी लड़ने जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।